परवेश परवेश सर्वाज आपराधिक चरित्र पद है। आदरणीय योगी जी के भाषणों को टेम्पर करते उसने हम लोगों को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया, लेकिन वो अपने ही जाल में खुद फंसके रह गया। इसके लिए हम लोग विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकारों ने अनुमति नहीं किया। हम लोग विभिन्न स्तरों से जांच करवा करके और उसका अपना आवेदन सरकार तक पहुंचाए। हमारे जितने राजनीतिक बंधु हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, सब लोग बहुत व्यस्त हैं, सब लोग अपने कार्यक्रमों के तहत व्यस्त हैं। शायद मैं ही एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत फुर्सत था, और आदरणीय योगी जी के निर्देश में और आदरणीय शुक्ला जी और अन्य बंधुओं के साथ रहकर हमने उनको खिलाफ जांच करवा करके मुकदमा स्थापित करने की कोशिश की। क्या था पूरा मामला? मामला ये एक बार कांड हुआ था गोरखपुर में, जिसमें तमाम लोग जेल गए थे, आदरणीय योगी जी भी गए थे, उनके साथ हम लोग भी तमाम लोग गए थे। उस घटना को उन्होंने तोड़ मरोड़ करके कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा उन्होंने एक कहानी बना दिया। किताब इन्होंने समाज में विकृति लाने की कोशिश किया है, समाज में विभाजन करने की कोशिश किया है, समाज को बांटने की कोशिश किया है, दंगा करने की कोशिश किया है। ये परेश परवाज ने अपना बनाया है। फिर कौन कौन लोग थे? अब हम लोग ऐसे कौन कौन थे इसमें आदरणीय योगी जी, मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय शिवप्रताप शुक्ला जी, मंत्री रेलवे और अंजू चौधरी जी, राधा मोहन अग्रवाल जी और मेरा नाम।